नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा थाना अन्नपूर्णा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इन आरोपियों पर ग्राहकों को माल कम देने और वो नकली रजिस्टर बनाने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया है। दरअसल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा अन्नपूर्णा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोपी सतीश पोरवाल और रोहित गुप्ता निवासी इंदौर इन आरोपियों द्वारा उषा नगर में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित की जाती है। आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा द्वारा जब इनकी दुकान की जांच की गई तो कई तरह की अनियमितताएं अधिकारियों को मिली, जिसमें कम माल देकर रजिस्टर में पूरी एंट्री की गई और एक नकली रजिस्टर भी बना रखा है, जिस पर से आपूर्ति अधिकारी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 22/12/21 को 20:45 बजे एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला इंदौर कलेक्टर कार्यालय से राहुल शर्मा जी की तरफ से एक लिखित आवेदन पेश हुआ है। उस आवेदन पर से दो आरोपियों के विरुद्ध सतीश पोरवाल पिता रमेश चंद पोरवाल निवासी 24B सूर्यदेव नगर इंदौर एवं रोहित गुप्ता निवासी इंदौर के विरुद्ध 420, 406, 409, 120B भारतीय दंड विधान एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इनकी शासकीय उचित मूल्य दुकान 110 उषा नगर मेन इंदौर में है। इसमें से अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसमें जांच अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय की तरफ से इनकी जांच हुई है। जांच में अनियमितताएँ पाए जाने से उक्त धाराओं में इनने धोखाधड़ी की है। वो जो अपने जो देना रहता है जो उचित मूल्य दुकानों से सामान, उनको बराबर नहीं दिया और रजिस्टर में बराबर एंट्री करते रहे, इस तरह से अनियमितताएँ करी है। और दूसरा एक नकली रजिस्टर भी बना रखा था इनने इस तरह से। ऋषिराज चतुर्वेदी, टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।